We are going to make a painting which topic is elements of art. Space, positive and negative. You know what is a negative and what is positive space in arts. Positive means white color and negative means black color. Positive means which is done by white color and negative means which is done by black color. Such as this. This is done so beautifully. For example, in this art we need pencil, black sketch pen, paint brush and paints colors. First of all, we have to take a white plain paper. Then we have to draw some lines using scale and pencil. यहाँ पे मैंने borders की line draw कर ली है. अब मैं next step करने जा रही हूँ, वो है हमारा drawing. जैसा कि आप सब देख रहे हो, वैसे मैंने सिंपल से एक ड्राइंग बना ली है जिसके अंदर एक लीव्स है और एक ट्री टाइप प्लांट टाइप बना लिया है मैंने. यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और वो ही बाउंड्री है पेंसिल से, और आपको इस बाउंड्री के बाहर भी जाना है. जैसे कि मैंने ये लीव इस बाउंड्री के थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा है, तो मैंने इसी तरीके से इस पूरी ड्रॉइंग को कम्प्लीट किया है. एवं मैं दिखा देती हूँ आपको, पूरी लीव्स मैंने इस तरीके से बनाई है पैटर्न से. सेम साइज है सबकी. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग. कलरिंग हमें पॉजिटिव और नेगेटिव करनी है, मींस व्हाइट एंड ब्लैक कलर से. यहाँ पे मैंने पोस्टर कलर लिया है. आप यहाँ पे मार्कर से भी कर सकते हो, बट पोस्टर कलर से फिनिशिंग ज्यादा बेटर आती है. मार्कर से लाइन वाइन दिखने लग जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर ही यूज किए हैं. यहाँ पे मैंने ब्रशेज भी टू तरीके के यूज किए हैं. एक तो मैंने मोटा यूज किया और एक पतला यूज किया है. पतला मैंने बाउंड्री बनाने के लिए किया है और मोटा अंदर कलरिंग करने के लिए. और साथ ही साथ मैंने एक बाउल में वाटर भी लिया है थोड़ा सा. अब मैं सबसे पहले इसकी बाउंड्री बना लूंगी जो मेरे कलरिंग में इजी रहेगा मुझे बाद में कलर करने में. तो चलो ठीक है, हम बाउंड्री बना के आपको दिखाती हूँ मैं. जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसकी बाउंड्री पूरी अच्छी तरीके से ड्रॉ कर ली है. मैं जानती हूँ आपका एक डाउट होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लैक एंड व्हाइट साइन करने कहाँ पे हैं. सिंपली जो मैंने आपसे बॉक्स बनवाया था ना, उस बॉक्स के अंदर इन जो फ्लावर्स है ना, उनके लीव पे, सर्किल पे, कहीं पे भी आपको नहीं करना. मींस आपको इधर नहीं करना बट आपको इधर करना है, आपको इधर नहीं करना बट आपको इधर करना है. एंड एन आउटर साइड इट्स अपोजिट. ये जो पोर्शन रहेगा वो व्हाइट रहेगा और ये जो पोर्शन रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा. ये ब्लैक है और इधर भी ये ब्लैक रहेगा, बट इधर यहाँ पे व्हाइट रहेगा, इधर भी व्हाइट रहेगा. जो सर्किल होगा उसके बाहर में यहाँ पे ब्लैक रहेगा, यहाँ पे व्हाइट रहेगा. तो ये बहुत अच्छा मिक्सर बना देगा. तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ कैसा ये बनता है पूरा. बाउंड्री को करने के लिए मैंने इस ब्रश का यूज किया था, बट अब मैं इनर साइड को करने के लिए इस मोटे ब्रश का यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको भी हाफ पार्ट में भी किया है. अभी मुझे इसको हाफ करना बाकी है, बट आपको थ्रू दिस आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करना है. अब ठीक है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ. मैंने इसमें अंदर वाले ब्लॉक का सारा पोर्शन कम्प्लीट कर लिया है. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना था, उसके हिसाब से मैंने इसमें अंदर का कर लिया है. मुझे इसको बाहर का भी करना है कलर, वो भी मैं आपको तुरंत करके बताती हूँ. मैंने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया आउटर साइड की. देखो, मैंने यहाँ पे इस आधी लीव को तो मैंने व्हाइट में कर रखा है और आधी को मैंने ब्लैक में कर रखा है. आपको इसी शेड में पूरी ड्रॉइंग कम्प्लीट करनी है, वो भी मैं बताती हूँ कैसे. खत्म होने के बाद इसको कैसा लगेगी, पर आपको उससे पहले इसको सूखने का वेट भी करना है कि ये सूख जाए, उसके बाद ही अगली ड्राइंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें फैलने का डर भी है क्योंकि हम पोस्टर कलर से यूज कर रहे हैं. चलो ठीक है, मैं आपको पूरा करके बताती हूँ. जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरे यहाँ पे ये पेंटिंग कम्प्लीट हो चुकी है. ये काफी सुंदर लग रही है, एक बार तो आप भी जरूर ट्राई करना है. इसमें बहुत ज्यादा इजी है. आप स्टार्टिंग से देखना, कुछ स्टेप नहीं समझ आया हो तो उसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं आप. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. जैसे कि आप सब देख सकते हैं.